Hey guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel Live with Shobhana. और आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुँचे. एप्पल साइडर विनीगर के बारे में हम में से बहुत लोगों ने सुना हुआ है. इसके इस वीडियो में हम जानेंगे एप्पल साइडर विनीगर हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपको एप्पल साइडर विनीगर लेना कैसे है और इसके एक्चुअली क्या क्या बेनिफिट हमारे बॉडी को मिल सकती है. और हम ये भी जानेंगे अगर एप्पल साइडर विनीगर की ओवर डोजिंग हो जाती है तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकता है. तो प्लीज़ मेरे वीडियो में एंड तक रहना टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. एप्पल साइडर विनीगर के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे तो पहले जो पॉइंट आ जाती है वो ये है कि एप्पल साइडर विनीगर हमें वेट लॉस में हेल्प करता है. बेसिकली एप्पल साइडर विनीगर में होते हैं बहुत सारे प्रोबायोटिक्स जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिसके वजह से हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी फास्टर हो जाते हैं और वैसे हमारे बॉडी के फैट बर्न होने लग जाते हैं. तो ये सब देखा जाए एक साथ तो एप्पल साइडर विनीगर हैज़ द प्रॉपर्टीज़ विच कैन हेल्प आस इन वेट लॉस. अभी देख लेते हैं वेट के लिए एप्पल साइडर विनीगर लेने का सही तरीका क्या होता है. इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट इफेक्टिव रिजल्ट फ्रॉम एप्पल साइडर विनीगर इन योर वेट लॉस जर्नी, आपको एप्पल साइडर विनीगर दिन में 3 बार लेना होगा. सुबह एक बार ब्रेकफास्ट से पहले, फिर लंच से पहले और फिर डिनर से पहले. आप लोग ये कर सकते हो कि एक कप लूकवॉर्म वाटर में 5 to 10 ml ऑफ मतलब 1 teaspoon to 1 tablespoon तक एप्पल साइडर विनीगर मिला लीजिए और उसको आप खाना खाने से पहले ले लीजिए. ऐसे करके दिन में 3 बार इफ़ यू वॉन्ट द बेस्ट रिजल्ट इन योर वेट लॉस. एप्पल साइडर विनीगर में पाए जाते हैं एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज. तो इसीलिए ये एप्पल साइडर विनीगर आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है. जो लोग डेली एप्पल साइडर विनीगर ले रहे हो उनके लिए छोटा मोटा जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होगा बॉडी में उसके साथ फाइट आउट करना ईजी हो जाएगा. और जिनको एक्ने एंड पिम्पल का भी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी एप्पल साइडर विनीगर हेल्पफुल होता है. बेसिकली आप एप्पल साइडर विनीगर का एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हो. इसको 1:3 के रेशियो में मतलब 1 part ऑफ एप्पल साइडर विनीगर के साथ 3 part ऑफ पानी को मिला के आप लोग एक सोल्यूशन बना के उसको अपने एक्ने एंड पिंपल्स के ऊपर लगा सकते हो. एक हफ्ते तक रोज लगाते रहे ना, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगी, आपके पिंपल्स एंड एक्ने कम होने लग जाएंगे. एज पर द स्टडीज एप्पल साइडर विनीगर बॉडी में इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं. तो पीपल हु आर सफरिंग फॉर डायबिटीज, जिनके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट बन चुका है उनके लिए एप्पल साइडर विनीगर हेल्पफुल हो सकते हैं. उनके डेली एप्पल साइडर विनीगर के इस्तेमाल करने से ग्रेजुअली बॉडी में इंसुलिन का सेंसिटिविटी, इंसुलिन का रेजिस्टेंट कम होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी. एप्पल साइडर विनीगर हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है. एप्पल साइडर विनीगर में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन कर सकता है और ये हमारे बॉडी के अंदर मतलब आर्टरी के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करने में हेल्प करता है. तो ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए एप्पल साइडर विनीगर बेनिफिशियल होता है. अभी अगर हम बात करें एप्पल साइडर विनीगर हमें लेना कैसे है, तो अगर वेट लॉस के लिए लेना है तो दिन में 3 बार लेना है जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ. इसके अलावा अगर आपको अपने डेली रूटीन में एप्पल साइडर विनीगर को इंक्लूड करना है तो आप उसको एम्प्टी स्टमक खाली पेट सुबह 1 बार ले सकते हो ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ. 1 cup ल्यूकवॉर्म वाटर में 5 to 10 ml मतलब 1 teaspoon to 1 tablespoon एप्पल साइडर विनीगर मिला के वो आप रोज सुबह ले सकते हो. उससे आपको बाकी सारे जो हेल्थ बेनिफिट के बारे में हमने अभी बात किया यहाँ पे वो सब मिलते रहेंगे. अगर आपको एप्पल साइडर विनीगर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो रिकमेंडेड डोज है दिन में 3 बार जो मैं पहले आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. एप्पल साइडर विनीगर आप लोग कभी भी डायरेक्ट मत लेना, इसको हमेशा पानी के साथ डाइल्यूट करके ही लेना होता है बिकॉज इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और डायरेक्ट लेने से ये डायरेक्ट हमारे दांतों पे एंड स्टोमक पे इफेक्ट करता है. जिन लोगों को अल्सर का प्रॉब्लम है वो लोग तो डेफिनेटली एप्पल साइडर विनीगर नहीं ले सकते. जब आप अपने एप्पल साइडर विनीगर को मार्केट से पिक कर रहे हो एक बात का याद रखना, आपके एप्पल साइडर विनीगर अनफिल्टर्ड, ऑर्गेनिक एंड विदाउट प्रिजर्वेटिव वाला ही होना चाहिए. उसी में से आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, नहीं तो आपको कोई भी बेनिफिट शायद ना मिले. मैं आप लोगों के साथ एप्पल साइडर विनीगर से बनी हुई एक सैलड ड्रेसिंग शेयर करूंगी. ये मैं अपने घर में भी यूज़ करती हूँ, आप लोग कभी भी बना के, बहुत ईजी है बनाना, कभी भी बना के अपने सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हो.
ये ड्रेसिंग बनाने के लिए आपको लेना होगा 1 टेबल स्पून ऑफ एसीवी, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, 50 ml ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर, एंड जस्ट मिक्स ऑल ऑफ इट टुगेदर एंड योर ड्रेसिंग इज़ रेडी। इसको आप किसी भी ग्रीन सैलड के साथ ले सकते हो। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट और सबके साथ शेयर भी कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी को भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सब अच्छे से रहना, हम लोग जल्दी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।